तो लोग गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। तो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। भले आप इस वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, या सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। या अगर वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और अपना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है वीडियो को बनाने में, और वीडियो अपलोड होने के बाद इस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो यार डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार अच्छा लगता है वीडियो अपलोड करना, तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखा करो। तो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एरेंगल 2.0 का एक ट्रेलर दिखाना चाहूंगा। तो पहले आप ये एरेंगल 2.0 का ट्रेलर देखिए। तो गाइस आपने जो चीज़ें देखी, देखा आपने कि एरेंगल काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका है, कितना शानदार अपडेट आ चुका है। क्योंकि जो ये अपडेट पड़ा मुझे लगभग 3-4 GB खर्च करने पड़े, क्योंकि मुझे काफ़ी गलत गलत ऐप्स मिल गए थे, फिर भी मैंने ढूंढ कर निकाल लिया है अपडेट को। तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, लिंक से अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये जो अपडेट होगा, जैसे आप जो पबजी मोबाइल आप इंस्टॉल करोगे, जो मैं लिंक दूंगा उससे आप इंस्टॉल करोगे, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, उसको ओपन करना है, और बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास आपका कोई फ्रेंड हो या आपके पास कोई दूसरा फ़ोन हो इसमें वाईफाई कनेक्ट कर सको, क्योंकि वाईफाई से आप इसको अपडेट कर पाओगे। तो जैसे अगर वाईफाई होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका रिसोर्स डाउनलोड हो जाएगा, और रिसोर्स डाउनलोड होने के बाद आपका ये पबजी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर भी आ रही है कि पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो पबजी मोबाइल अब बैन नहीं रहने वाला इंडिया में। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर बताया कि तो इन्होंने बताया कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर जल्द से जल्द अनबैन होने वाला है। ये सब इनके ऑफिशियल आर्टिकल वेबसाइट पे जो आर्टिकल दे रखा है उसके थ्रू बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इन्होंने बताया कि पबजी कॉर्पोरेशन वो जो पबजी मोबाइल है काफ़ी दिनों से मॉनिटर कर रही है जो सिचुएशन बैन होने की सिचुएशन आई थी, जिसमें पबजी मोबाइल लिविक नॉर्डिक मैप और जो पबजी मोबाइल लाइट इंडिया वर्जन थे, इन सबको जो बैन करा था। इसके बाद से जो पबजी मोबाइल है हम सभी का थैंक्स कर रही है कि इन्होंने जो हमने जो इन्हें सपोर्ट दिया है, जो एंथुसिएज्म पैशन दिया है, उसकी वजह से हमारा थैंक्स कर रही है। और दूसरे जो इनका पैराग्राफ है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन वो पूरी तरह से समझती है और आदर करती है गवर्नमेंट का जो फैसला था, इन्होंने जो एक्शन लिया था प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, प्लेयर डेटा जो डेटा जो प्लेयर होता है उसके डेटा के प्राइवेसी पॉलिसी को जो एक्शन लिया था, और इस चीज़ का वो सम्मान करती है। और इसी के साथ प्लेयर डेटा का जो सिक्योरिटी जो प्राइवेसी पॉलिसी होता है उसको कंपनी जो पबजी कॉरपोरेशन है उसको मेन प्रायोरिटी मानती है। और इसी के साथ साथ इनके जो दूसरा पैराग्राफ था उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो कुछ भी अभी बैन को लेकर इंडिया में चल रहा है, तो इसी को देखते हुए पबजी कॉरपोरेशन ने ये फैसला लिया है कि वो कुछ भी फ्रेंच जो पबजी मोबाइल की फ्रेंचाइजी वो टेंसेंट से कुछ भी संबंध नहीं रखेगी और इसको छोड़कर आगे की ओर चलेंगी। और इसी के साथ साथ जो भी पब्लिश करता था, जो पहले टेंसन कंपनी को पब्लिश करती थी पबजी मोबाइल का जो भी ग्राफिक्स ऐप होता था, उसकी जो भी अपडेट्स होती वो सारी टेंसन कंपनी करती थी। अब इस चीज़ को जो पबजी कॉर्पोरेशन है, जो ब्लू होल कंपनी कोरिया से जो कंपनी है, वो इसे आगे की तरफ पुश करेंगी। जो उनका रिलीज होगा वो पबजी ब्लू होल कंपनी सेंड करेंगे, अब हमें कोई टेंसन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो पबजी मोबाइल खुद बता रहा है कि वो कमिटेड है यूनिक बैटल रॉयल जो हम गेम खेलते हैं उसका जो बैटल रॉयल एक्सपीरियंस होता है उनको प्रोवाइड कराने में ग्लोबल ऑडियंस को, और उन्हीं के साथ साथ इंडिया में जो बेस्ट प्लेयर होते हैं इनके। तो पबजी मोबाइल खुद चाहता है कि इंडिया के अंदर जो भी प्लेयर है उनके साथ इनका जो प्लेयर होते हैं वो साथ में साथ मिलकर खेले। और इसी के साथ साथ पबजी मोबाइल खुद बताता है कि वो चाहता है कि जो भी मेजर अपडेट्स होते हैं जो भी नए नए अपडेट्स होते हैं वो पूरी लाने की पूरी कोशिश करेगा, और इसके साथ अपना जो एक्टिविटीज़ होती है ई स्पोर्ट्स होती है उनको भी इंडिया में लाने की, उनके जो इवेंट्स होते हैं धार्मिक इवेंट्स जो भी कुछ भी होते हैं उन सबको लाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसी के साथ साथ लास्ट लाइन में लिखता है, तो लास्ट लाइन में बताया गया है कि जब भी कोई बैन आता है, बैन जब से जैसे ये बैन हट जाएगा वैसे जो भी अपडेट होगा वो जल्दी से जल्दी आप तक लाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो बिल्कुल रियल थी, आप चाहो तो इसके वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ये पबजी मोबाइल ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप देख सकते हो ये सारा जो आर्टिकल दिया हुआ है उस जगह पे लिखा हुआ है। ऐसा वैसा नहीं है कि भाई जो आप 3-4 दिन से यूट्यूब पर देख रहे हो पबजी बैन अनबैन करके, ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारा रियल इन्फॉर्मेशन है, आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हो जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की सब नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।